स्टूडेंट्स, कल हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी टॉपिक में नेक्स्ट वंश की बात करेंगे, जिसमें कि है चोल वंश। तो ये कहा जाता है कि चोल वंश की जो शासन काल था 865 से 1276 ईस्वी के बीच में था, और 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग एवं कर्नाटक पर जो शासन करने वाले थे वो क्या थे? चोल वंश थे। और चोल वंश दक्षिण के क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासन रहा जिनका, तो वो था चोल वंश। ठीक, तो चोल वंश, चोल साम्राज्य की जो स्थापना थी वो विजयालय ने की थी, विजयालय ने किया था। और जो वंश था, चोल वंश का जो सर्वाधिक पराक्रमी जो राजा हुआ वो राजा राज प्रथम था। ठीक, फिर कुछ विशेषताओं की अगर बात किया जाए इसमें, इसी में है कि जो राजेंद्र प्रथम था वो क्या था, कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी को गंगई कोटा चोलपुरम बनाया। ठीक, और चोल वंश के जो राजा राजेंद्र चोल प्रथम थे उनके पास क्या थी, बहुत बड़ी जल सेना थी, और जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण के पूर्वी एशिया के कुछ भाग, लंका, निकोबार द्वीप, मलाया द्वीप समूहों में क्या किया, अपने साम्राज्य का उनसे संपर्क बनाया। और विदेशी व्यापारी, मतलब कि इस समय भी क्या भारत में कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों से भी हुए, और जिन्होंने कि अपनी क्या हुई बस्तियां बनाई, और कुछ जो थे उसमें बुद्ध के प्रचारक थे। तो इसमें ये सब चीज़ थी। और फिर 12वीं शताब्दी तक देखा गया कि जो चोल साम्राज्य का जो वर्चस्व है वो क्या था, पूरी तरह से 12वीं शताब्दी तक उनका वर्चस्व बना रहा। लेकिन 13वीं शताब्दी में जो मदुरै के पांडे थे और होयसल के स्थान, मतलब चोलों का क्या किया, स्थान ले लिया, और दक्षिण में कल्याणी के चालुक्यों के स्थान पर काकती आए, जिन्हें वारंगल, मतलब वारंगल जो है एरिया वो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो कुछ इनकी विशेषताएं कि चोलों की, चोल प्रशासन की कह जाए, चोल शासन की, चोल वंश की कुछ प्रमुख विशेषताएं उन्हें देखते हैं। तो इसमें पहला क्या है कि जो चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था कि जो राजा होता था, राजा ही राज्य का सर्वोत्तम शक्ति था, और जो मंत्री परिषद होता था, मंत्री परिषद की सहायता से क्या किया जाता था, शासन को सुचारू रूप से चलाया जाता था। तो ये कहा जाता है कि जो राजा था वो क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु था, और वही सर्व शक्ति था, और वो जो मतलब शक्ति जो सर्वोत्तम जो शक्ति थी वो क्या था कि मंत्री परिषद की सहायता से वो अपने शासन को सुचारू रूप से चलाता था। फिर बात करते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए बात किया जाए तो संपूर्ण जो साम्राज्य था वो क्या था, प्रांतों में विभक्त था, और प्रांतों को मंडल मंडलम के नाम से जाना जाता था। और जो फिर प्रांतों के बाद जो जिला था, प्रांतों को क्या किया जाता था, जिलों में बांट दिया गया, और छोटा में मतलब सब डिवाइड करना, पहले क्या प्रत्येक साम्राज्य को प्रत्येक प्रांत में डिवाइड किया गया, फिर वही प्रांत को सब डिवाइड किया गया जिससे क्या जिला बने, और जिला को जिलों को कहा जाता था वर्नाडो के नाम से क्या था वो विभक्त था, प्रांत मंडलम, और जिला था वो वर्नाडो में विभक्त था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन से आता है कि मतलब चोलों के समय में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो जिला विभक्त थे तो जिलों को किस नाम से पुकारा जाता था, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। फिर थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये है कि चोलों के
जिला को नाडू मतलब कि इसका पूरा नाम वल नाडू, ठीक है। तो जिला को नाडू और गांव का गांव को गांव कुर्रम। तो ऐसे कुछ उपनाम है चोलों के टाइम में कि पूरे साम्राज्य को राष्ट्र के नाम से मतलब राष्ट्र ही प्रांत को मंडल मंडलों, ठीक है, जिला को नाडू और गांव को कुर्रम इन पार्टों में क्या क्या कहता सब डिवाइड किया गया था। तो यही है कि जो चोलों की जो प्रशासन प्रणाली थी वो बहुत विकसित हो गई थी, वो इसलिए थी कि उन्होंने क्या किया पूरा व्यापक तरीके से मतलब साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, फिर उसका भी सब डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ वो अपने जो साम्राज्य अपनी जो निगरानी कर दिया जा सकता था वो क्या पूरी तरह से रख सकते थे। तो यही है कि चोलों प्रशासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी और समस्त साम्राज्य को राष्ट्र प्रांत को मंडल में भी विभक्त किया गया था, जनपद जनपद जिला नाडू तथा गांव को कुर्रम कहा जाता था। फिर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नेतृत्व को अन्य समितियों का गठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है गांव की काउंसिल बनाया गया था कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अन्य समितियों का गठन किया जाता था, ठीक है। उस चुनाव प्राइवेट जो क्या न्याय शिक्षा मतलब कुछ न्याय व्यवस्था को देखने के लिए एक समिति बना देना कि उसका ये हेड होगा और इस यहाँ पे क्या होगा ये इस चीज का न्याय करेगा। शिक्षा का एक समिति बना देना मतलब सब चीजों का मतलब कि अनेक समितियों का गठन होगा जिसमें से न्याय शिक्षा संचार साधन जलाशय, ठीक है। कि जैसे बात है उस टाइम भी कृषि का मतलब कृषि उपज सर्वोत्तम थी तो जलाशय का निर्माण धार्मिक समारोह दान मंदिर आदि की देखभाल करने के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इसमें क्या था कि चोलों के टाइम भी जनजीवन क्या था बहुत ही संपन्न था और कृषि तथा व्यापार इंजन अवस्था में मतलब कि पूरा जो कार्यभार था वो आर्थिक अगर देखा जाए उपलब्धियों की बात तो क्या कृषि पर ही निर्भर थे, कृषि और व्यापार क्योंकि दक्षिण में था तो दक्षिण में कुछ एरियों में मतलब कि जैसे श्रीलंका हुआ मलाया द्वीप ये सब क्या थे मतलब ये सब व्यापार करते थे और राज्य की जो इनकम मतलब राज्य की जो मुख्य मतलब आय थी वो क्या था उसका मुख्य स्रोत क्या था भूमिकर, ठीक है। व्यापार करते और सिंचाई के लिए उन्होंने क्या किया अनेक तालाब भी बनाए थे जिनका कि रख रखाव ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था। जैसे कि हमने बताया कि उस टाइम में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो अनेक समितियां बनाई गई थी जिसमें न्याय शिक्षा संचार साधन जलाशय तो वही सब चीजें थे कि मतलब जलाशय का अगर तालाबों का निर्माण कराया जाता है ग्राम सभा करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थी अगर नेक्स्ट टॉपिक में मैं चोलों के समाज के बारे में समाज धर्म कला या स्थापत्य साहित्य इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू।